सब्सक्राइब करें पीके के जुगाड़ को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटे पर उंगली कर दें। दोस्तों, मार्केट में एक ऐसा जिनावर चोट मचा रहा है जिसने पूरी दुनिया में खास करके भारत में उत्पाद मचा रखा है भाई, चोट मचा रखी है। उस जिनावर ने पूरी दुनिया का जीना मुहाल कर दिया है, पूरे भारत का जीना मुश्किल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं पीके के जुगाड़। दोस्तों चलिए देखते हैं मैं किस जिनावर की बात कर रहा हूं जिसने दुनिया में चोट मचा रखी है। चलिए, रेडमी नोट 4 और मैं आज इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि फोन कैसा है और साथ में कंपनी क्या क्या चीज भेजती है इस फोन के साथ। चलिए इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूं। दोस्तों ये रहा वो जिनावर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसने पूरी मार्केट में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में चोट मचा रखी है, आहाकार मचा रखा है, उत्पात मचा रखा है। ये है हैंडसेट Redmi Note 4 और बाकी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। ये यूजर मैनुअल है इसके। ये चार्जर है और चार्जर आपका 2.0 एम्पियर का है, मतलब हो सकता है कि आपका जो फोन है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो। और ये आपका USB केबल है दोस्तों, और ये USB केबल चार्जर और मोबाइल के साथ और कुछ भी नहीं है। देखा दोस्तों, कंपनी ने हमारे साथ ये चालाकी की है कि फोन तो आपको अच्छा मिल रहा है, साथ में हम आपको ईयरफोन नहीं देंगे, हैंड फ्री नहीं देंगे। दोस्तों इसमें हैंड फ्री नहीं है फोन के साथ, ये कंपनी ने नाइंसाफी की है दोस्तों। दोस्तों ये तो हुआ अनबॉक्सिंग, हम इसको साइड में रख देते हैं। अब फोन के बारे में हम बात करते हैं, फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अच्छी बुरी बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी ने इसमें 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला है आपका 2GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसकी कीमत है 10,000 लगभग फ्लिपकार्ट पर। और दूसरा वेरिएंट है 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसकी कीमत है लमसम 11,000 रुपये फ्लिपकार्ट पर। और तीसरा और फाइनल वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी। तो इसकी जो कीमत है वो है लगभग 13,000 रुपये। जी हाँ, और मेरे पास जो फोन है वो 64GB वाला है, 4GB और 64GB वाला, हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले इसके लुक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो लुक है वो काफी अच्छा है, स्लिम है फोन और थोड़ा कर्व भी है, और जो फोन का कलर है वो गोल्ड है। दोस्तों कंपनी ने इसमें 3 कलर लॉन्च किए हैं, पहला है आपका ग्रे, ब्लैक और तीसरा है आपका गोल्ड। दोस्तों इसका जो बॉडी है, पीछे का जो एक कवर आप देख रहे हैं, ये मेटल का है। ये कवर ये इतना हिस्सा जो है ये मेटल का है, आप पहचान सकते हैं इसकी आवाज को। और बाकी का जो हिस्सा है वो है प्लास्टिक का। और दोस्तों यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है, इसे आपका जो मोबाइल है वो अनलॉक होता है। दोस्तों बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की। इसकी जो डिस्प्ले है वो है फुल HD 5.5 इंच, रिजोल्यूशन है 1080 का, मतलब ये जो आपकी डिस्प्ले है वो IPS है और आप इसे चारों दिशाओं में कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं, आपको क्लियर नजर आने वाला है। IPS का यही मतलब होता है दोस्तों कि आपको जो फ्रंट से चमक रहा है वही आपको लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे सब जगह से एक जैसा एक क्लियरिटी नजर आए। दोस्तों कंपनी ने डिस्प्ले को
बचाने के लिए कोई भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया है, क्योंकि और दूसरी कंपनी जो है अपना फोन का डिस्प्ले बचाने के लिए गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, लेकिन कंपनी ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। यदि आपका ये फोन नीचे गिर जाता है तो ये डैमेज हो सकता है, नुकसान आपको हो सकता है और आपकी डिस्प्ले टूट सकती है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इस फोन पर हमेशा टेम्पर्ड लगा कर रखें, क्योंकि उससे आपको डिस्प्ले का थोड़ा बचाव हो जाएगा। कैमरे के बारे में हम बात कर लेते हैं। रियर कैमरा हमारा 13 मेगापिक्सल का है और इसका जो अपर्चर है वो है 2.0। कैमरा काफ़ी अच्छा है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आती है, ऑटो फोकस भी है इसमें, मैनुअली फोकस भी है। और दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो फुल HD आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही आपके रियर कैमरे की बात। और हाँ दोस्तों, इसके पीछे जो LED फ्लैश लाइट लगी हुई है वो ड्यूअल टोन LED फ्लैश लाइट है दोस्तों, जो कि एक आपका टोन देगी वाइट और दूसरा देगी येलो, तो जिससे कि क्या है कि आपका जो नाइट पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आएगी दोस्तों। और जो आपका फ्रंट कैमरा है, जो आपका सेल्फी कैमरा है, वो 5 मेगापिक्सल कैमरा है और इसका जो अपर्चर है 2.0 है दोस्तों। तो देखा जाए जो आपका जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी वीक है, बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं देगा जैसा आप सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मार्शमेलो एंड्रॉयड। जो मार्शमेलो है उसका वर्जन है 6.0.1। हम आशा कर रहे थे कंपनी इसमें नोगट देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी ने इसमें नोगट दिया है, नहीं, इसमें मार्शमेलो है। और बताया जा रहा ये है कि आने वाले समय में इसमें नोगट अपडेट हो सकता है। फिलहाल अभी तो इसमें मार्शमेलो है, पता नहीं नोगट कब लॉन्च होगा इस फोन के अंदर, वो दूर की बात है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो है आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर, और ये रन करता है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर। तो काफ़ी अच्छा इसमें बैलेंस दिया गया है, फ़ोन के साथ प्रोसेसर को जोड़ा गया है और काफ़ी अच्छा इसकी स्पीड देखने को मिलती है दोस्तों। साथ के साथ हम बात करते हैं इसके ग्राफिक की। इसमें जो ग्राफिक है वो एड्रेनो 506 है, जिससे क्या है कि आपका जो हाई लेवल गेमिंग है वो आप इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सेंसर की। इसमें अधिकतर सभी सेंसर दिए गए हैं, खास सेंसर इसमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता है दोस्तों, देखे आपने। और दूसरा जो इसमें खास सेंसर है वो है जायरोस्कोप। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कार्डबोर्ड के शौकीन हैं तो कार्डबोर्ड में लगा कर आप इसे 3D विजुअल में देख सकते हैं कोई भी वीडियो, और आप 3D वीडियोस का मजा लूट सकते हैं कार्डबोर्ड में। दोस्तों इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब इसका ये है कि यदि आप 2 सिम यूज करते हैं तो इसमें आप मेमोरी कार्ड एक साथ नहीं लगा सकते हैं। इसमें यदि आप एक सिम लगाएंगे तो एक मेमोरी कार्ड लगाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 सिम लगाते हैं तो आपको मेमोरी कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, यदि आप इसमें एक सिम लगाते हैं तो आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें कनेक्टिविटी 4G LTE है और 4G VoLTE है, 3G 2G, और साथ के साथ बताना चाहूँगा कि इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट, मतलब कनेक्टिविटी आपकी लगभग सभी दी गई है। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये फ़ोन मैंने यूज़ किया है। यदि आप इसे आम तरह से यूज़ करते हैं, जैसे हाँ थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लिया, साउंड सुन लिया और थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, गेमिंग खेल लिया, तो आप इसे 24 घंटे आप एक बार भी चार्जिंग में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर OTG केबल भी लग जाती है, OTG सपोर्ट करता है ये फ़ोन, चेक कर लेते हैं। ये OTG केबल है दोस्तों, और ये मैंने यहाँ पर लगाया, और ये कार्ड रीडर है दोस्तों जिसमें मैंने मेमोरी कार्ड लगा रखा है। दोस्तों ये OTG केबल चालू हो गई है, मतलब जो फ़ोन है वो OTG केबल को सपोर्ट करता है। और दोस्तों यदि आपको
OTG केबल परचेस करनी है तो ये 50 रुपीज़ में लगभग मिल जाएगी, और ये कार्डर भी आपको 50 रुपीज़ में लगभग मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जाकर। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो फ़ोन है इस फ़ोन को भी आप परचेस कर सकते हैं, मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है फ्लिपकार्ट और अमेजोन का। मेरा मानना यह है कि फ़ोन बहुत अच्छा है, इसमें जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा वो 5 में से 4 देना चाहूँगा। और फ़ोन में बस मुझे एक कमी नज़र आई है, सेल्फी कैमरे की, बाकी कोई और कमी नहीं है दोस्तों। अब ये तो रहा Redmi Note 4 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो देखा दोस्तों आपने, मैं जिस जिनावर की बात कर रहा था, जिस राक्षस की बात कर रहा था, वो और कोई नहीं, वो आपका चहेता, वो Redmi Note 4 है दोस्तों। और दोस्तों मैंने कोई गलती नहीं की है इसको राक्षस और जिनावर बोलकर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसने मार्केट में ऐसा उत्पाद मचा रखा है कि लोग बाग इस फोन को ब्लैक से बेचने लग गए हैं दोस्तों। और डिमांड देखेगा इस फोन की दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर सेल आती है और मिनटों में सेकंडों में ये फोन बिक जाता है दोस्तों, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये फोन आपको परचेज करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अपने ही चैनल में डेली कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूंगा आपसे जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।